घर के दो दो तीन तीन मीटर अप्लाई किए जा रहे हैं, तो इतने भी यह जी एप्लीकेशन आ रही ने। एप्लीकेशन तो इनकार नहीं किया जा सकता, पर महकमे ने उपरों सख्त हदायत कर रहे हैं अफसर उच्च अधिकारियों वालों की, क्योंकि इदा के कनैक्शन चैक किया जाए। चैकिंग के बेस से जिन्हों का भी मतलब इस तरह का कोई निकलेगा उन्होंने कार्रवाई बंदी की जाए। कोई खपतकार ने दो मीटर लगवाए तो उन्होंने लोड न क्लब किया जा सकता है, दोनों मीटर इको किया जा सकता है। मान लो हस्बैंड के नाम से एक मीटर लगा तो दूजा वो अपनी वाइफ के नाम से अपलाई कर देता, जो वाइफ के नाते तो बंदा अपने अपने नाम से अपलाई कर देता, घर के नाते अपलाई कर देता, कि इदा की चैकिंग वगैरह भी की जाऊगी। इस तरह की कार्रवाई भी की जाएगी और पहले भी की जाती है, जदों इदा का कोई लोड निकलता, जिमें एक कंज्यूमर ने मीटर उतर गया बकाया करके उन्हें दूसरे ने अपलाई करता वो घर अपलाई, तो फिर वह बकाया जो पहले का चैकिंग के बेस से दूजे ट्रांसफर कर दिया जाता है। दैनिक सवेरा देख रहे हो तुसीं तां मैं हिम्मत सिंह दिगपाल। पंजाब दे विच नवीं बनी आम आदमी पार्टी की सरकार दे वल्लों जिथे आम लोगों 300 यूनिट फ्री बिजली देने का जिहड़ा कि ऐलान आ ओह कीता गया, तो उस तो बाद ही हुण बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ दे वल्लों एक बयान जारी किया गया सी कि जिहड़े रुके हुए लोगों के बैलेंस ने रिकवर करन वाले ने तां ओह वी 3 दिन दे विच रिकवर किए जाण, तां उहदे उहनूं लै के भी एक विभाग नूं नोटिफिकेशन जारी किया सी। इसे विषय ते गल्लबात करांगे, साडे नाल SDO मनदीप सिंह मौजूद ने। मनदीप जी, सरकार दे वल्लों पहलां दा जिहड़ा जिवें सरकार आउण तों पहलां वादा किया गया 300 यूनिट फ्री बिजली का, वह ऐलान कर दिता गया कि 1 तरीक तों फ्री बिजली मिलेगी, पर उहदे नाल ही बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ का बयान भी आता जिहड़े बिजली के बिल पेंडिंग ने उन्होंने भी रिकवर किया जाए। तुहाडे इत्थे चीमा चौंक के कितना कहे तक यानी कि पेंडिंग पिया वा ते कितना रिकवर कर रहे हो? साढ़े कुल मतलब सारी कैटेगरीज का मिला के लगभग 8,99,00,000 जो पेंडिंग रिकवर करने वास्ते पिया वा, ये 1,67,00,000 लगभग इंडस्ट्री का है और बाकी अलग होर कैटेगरीज का। ये जो अपना कि जिन्हें 1 किलो वाट दे भी बिच ही है, 2 किलो वाट या फिर सारी सारी मिला के है? ये सारा टोटल है जिद घरेलू भी और कमर्शियल भी और इंडस्ट्रियल सारे मिला के है। हाँ जी, हम तक सर कि रिकवर तुम कर चुके हो? रिकवरी प्रोसैस हजे चल रहा है फिलहाल, तो पहला जिमें मेन साडा है मोटिव जो इंडस्ट्री वाले जोड़े व्डे कनैक्शन उन्होंने रिकवरी जी इस टाइम चल रही है, उच्च अधिकारियों वालों हदायत जारी की गई पहला उन्होंने व्डे कनैक्शन और जिन्हें अमाउंट ज जिन्हें वीड्डी है उन्होंने रिकवर किया जाए, उन्होंने कार्रवाई चल रही है। सर अमाउंट पेंडिंग रह किए जाती है, लोग क्यों नहीं अपने बिल पे करते, की कारण ने? चाहे वह कमर्शियल हो चाहे डोमैसटिक हो या फिर इंडस्ट्री वाले हो, कारण की है लोग बिल पेंडिंग नहीं करते, पे नहीं करते? ये एक टेंडेंसी कह लो, या जिमें कई कई इस तरह का देखने आया कि खपतकार जोड़े अज इन्नी देर जिमें कनैक्शन कटिया नहीं हटा जो ऑर्डर नहीं किया जाता उन्नी देर वो बिल पे नहीं करते, उन्होंने बिल फिर जिमें 6-6 महीने के खड़ के काफ़ी वध के अमाउंट वड्डी हो जाती है। बाकी इसका कारण तो देखो मेरे हिसाब ना तो जे आप बिजली की वरतों करते हैं तो आपको बिल तो नाल नाल पे करना चाहिए, जिमें असी भी वरतते हैं बिजली तो बिल कदे भी पेंडिंग रखते नहीं, तो लोगों को भी चाहिए कि वो अपने बिजली के बिल क्लीयर करन, पर पता नहीं की कारण रह जाता है कि उन्होंने मन के है भी जिनी देर कनैक्शन नहीं कटिया जाता कई बिल नहीं भरते लोग। हाँ जी, जेकर आप चीमा चौंक जिते आप बैठे आप गल कर रहे हैं, ये 8 करोड़ तो वह जो कि पेंडिंग पैसे है बिजली विभाग के, तो जेकर पूरे लुधियाने की गल करिए लुधियाने जिले की गल करिए फिर तो काफ़ी करोड़ों के गल पहुँच जू। हाँ जी बिल्कुल, काफ़ी अमाउंट है रिकवर करने वाली पेंडिंग बाकी दफ्तर में मिला के काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बन जाए। की नुकसान की होंगे यदा नुकसान भी कोई होंगे? जी हाँ हाँ जी, नुकसान है क्योंकि देखो अमाउंट महकमे ने बिजली दिती उस तो बाद पैसा भी वो लगता फ्यूल दे विच भी और जनरेशन दे विच भी, अगर बिल रिकवर नहीं होंगे तो महकमा घाटे दे विच जाएगा और जड़ी अगे दियाँ जो उन्होंने डिवेलपमेंट करनी उन्होंने भी फर्क पैंदा है, और बाकी तनखाह जड़ियाँ महकमे ने देनिया उहदे च भी उन्होंने फिर लॉस का सामना करना पैंदा भी वह औखा काम हो जाता है वो, इसलिए बिल समय से लैने बहुत जरूरी हो जाते हैं जी क्योंकि महकमा। हाँ जी, पंजाब असी अक्सर देखते थे पिछलिया सरकारा जिदियाँ रही थी जो अफसर मान लो जो थोड़े कर्मचारी जाते हैं कनैक्शन कट्टन वास्ते पैसे की मांग की जाती है जो पेंडिंग पे ने, तो लोगों वालों की किया जाता फट नहीं फोन कटते हैं, जो अपने पंजाब का कल्चर ही बनया फोन पर किसी की भी गल करा देंगे। हुण पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी सरकार है कि हुण भी यही जी चीज़ा देखने सामने आ रही ने? फिलहाल जो मेरे देखने में आया क्योंकि रिकवरी का प्रोसैस चल रहा, पर इदा का कोई भी केस अजे तक ज कोई भी खपतकार वालों कोई इदा का कुछ केस नहीं आया जिद किसी का फोन ज कोई आया हो भी यद कनैक्शन ना कटे जाए। तो रिक लोग सिफारिश घट करा रहे हैं, कर भी कट रहे हैं लोग,
हाँ जी, मतलब सिफारिश तो कोई जिस तरह जिनक मेरी नॉलेज है सिफारिश तो कोई नहीं आई और रिकवरी का प्रोसैस चल रहा है अलग। एक जुलाई तो इन्होंने किया मुफ्त बिजली देने का, वह भी कोई नोटिफिकेशन आ चुका होया कि क्योंकि उन्होंने लैके भी जनरल कैटागरी होवे या फिर होर लोग हूँ काफ़ी ज़्यादा घसमान जहा पे लोगों के उलझन है, वो भी कोई नोटिफिकेशन आया? फिलहाल इस माफ़ी बारे या यूनिटा माफ़ी बारे या पिछले बकाए माफ़ करने वाले कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी होया, और जो कि महकमे वालों होंगे सरकूलर जिन्हों कहते हैं, वो सरकूलर आने ही अगली कार्रवाई होएगी। फिलहाल इदा का कुछ नहीं आया। एक चीज़ सर होर सुनने के आ रही है, जिमें एक घर के पहले एक मीटर लगा है जो डबल स्टोरी है ट्रिपल स्टोरी है, तो उन्होंने 600 यूनिट जी फ्री बिजली लैन की होड़ के लोगों के वालों जो कि नवे मीटर भी अप्लाई किए जा रहे हैं, काफ़ी जगहों तो खबर भी सामने आ रही हैं भी एक घर के दो दो तीन तीन मीटर अप्लाई किए जा रहे हैं, तो इतने भी यह जी एप्लीकेशन आ रही ने? इस तरह दियाँ पहल चलते ज एप्लीकेशन तो इनकार नहीं किया जा सकता, पर महकमे ने उपरों सख्त हदायत कर रहे हैं अफसर उच्च अधिकारियों वालों की कि इदा के कनैक्शन चैक किया जाए, चैकिंग के बेस से जिन्ह का भी मतलब इस तरह का कोई निकलेगा उन्होंने कार्रवाई बंदी की जाएगी। की कार्रवाई सर की जाऊ जिन्हें मान लो पहले मीटर लगा हुआ तो इलीगल तरीके दोबारा दूजा मीटर भी लगवा लेंदा, तो उन्होंने उत्ते की कार्रवाई की जाऊगी? जेकर खपतकार जिमें सेम निकलता है एको खपतकार ने दो मीटर लगवाए तो उन्होंने लोड में क्लब किया जा सकता है, दोनों मीटर इको इको किया जा सकता है, इदा दार्रवाई ज होर कोई जिमें गलत होर कार्रवाई करते हैं लोग उन्होंने जुर्माने वगैरह के हिसाब न महकमा देखते हैं। जिम्मे मान लो हसबेंड के नाम से एक मीटर लगा तो दूजा वो अपनी वाइफ के नाम से अपलाई कर देता, जो वाइफ के नाते तो बंदा अपने अपने नाम से अपलाई कर दिता, घर के नाते अपलाई कर दिता, कि इदा की चैकिंग वगैरह भी की जाऊगी लोगों के घरों के भी वाकई इतने लोड है कि लोग सिर्फ 300 यूनिट बिजली मुफ्त लैन के चक्कर के मीटर अपलाई कर रहे हैं? इस तरह की कार्रवाई भी की जाएगी और पहल भी की जाती है जिदों इदा का कोई लोड निकलता, जिमें एक कंज्यूमर ने मीटर उतर गया बकाया करके उन्हें दूसरे ने अपलाई करता वो घर अपलाई, तो फिर वह बकाया जो पहले था चैकिंग के बेस से दूजे से ट्रांसफर कर दिता जाता है, और फिर रिकवरी का प्रोसैस उन्होंने वास्ते कनैक्शन कट्ट का ज उन्होंने बिल जमा कराने का रिकवरी का प्रोसैस किया जाता है। कानूनी कार्रवाई भी की जाती है जी यह जो कनैक्शन जो लोग इलीगल तरीके का कनैक्शन लगवाते हैं? कानूनी कार्रवाई जोड़े चोरी के मीटर चो बिजली चोरी या मीटर चोरी के उन्होंने की जाती है, बाकियां ते कनैक्शन कट्टना या महकमे वालों होर कार्रवाई इदा की जाती है। यानी कि जिहड़े गलत तरीके नाल इलीगल तरीके नाल मीटर लगवा रहे उन्हां दा पहला भी कनैक्शन कट्टिया जा सकता? हाँ जी, उन्हां दा कनैक्शन पहला भी कट्टिया जा सकता, और बाकी जिहड़ा उन्हां दे दूसरे खात्यां दे विच तां पैसे ट्रांसफर किए ही जाते हैं, रैगूलर तौर पर कार्रवाई चलती है। सो बिल्कुल ये सन SDO मनदीप सिंह जिन्हां दे वल्लों दस्सिया जा रहा है, कल चीमा चौंक की जेकर गल की जाए तो 8 करोड़ के वध जिहड़ी कि पेंडिंग रकम है वो बकाया पई है लोगों के वालों, जेकर वो रकम आती है तो बिजली विभाग में भी वो जो कि लाहा जरूर मिलेगा, दूजे पास जो लोग इलीगल मीटर लगवा रहे हैं एक घर के एक मीटर पहले ही लगे है तो 600 यूनिट फ्री लैन के चक्कर के लोग एक तो वध जे कि मीटर घर लगवा रहे हैं, तो उन्होंने वास्ते भी बुरी खबर है क्योंकि जेकर इलीगल तरीके लोगों के वालों कनैक्शन लगाए जाते हैं तो उन्होंने पहला जो कनैक्शन वो भी कट लिया जाएगा, तो जुर्माना भी उन्होंने जो कि जरूर भरना पवेगा, दूजे पास जेकर किसी वालों बिजली चोरी की जाती है तो उन्होंने उत्ते जी बनती कानूनी कार्रवाई है वह भी आने वाले समय के लिए की जाएगी। कैमरा पर्सन बोबी नाल हिम्मत सिंह दीपाल, दैनिक सवेरा, लुधियाना। All World Open Challenge 17 time gold medalist Mia Rafiq Mohammed Pandit Maulvi Begum Tantrik inna chora thagga to savdan specialist Vashikaran satta number love marriage pati patni ch anban videsh ch pakka hona karobar da na chalna sirf 31 ghantiyan vich samadhan free 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 Mia Rafiq Mohammed mobile 84374 94 644 84374 94 648 Baba Fateh Khan Punjab de number एक तांत्रिक बंगाल तो सिद्धि प्राप्त पक्का काम पक्का हल 101% गारंटी अस्टाम पेपर समेत सब तो पहला काम करन दा वादा नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा बरकत औलाद कहने तो बाहर होना कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुप्त रोग पुराना दर्द पति पत्नी चनपन जादू टोना लव मैरिज मोनी वशीकरण करवाना जा तुड़वाना सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा लई रुस्से नु मनाउणा प्यार मोहब्बत संपर्क करो बाबा फतेह खान 99586 3548।